इंदौर के पूर्व पार्षद स्वर्गीय राजेश जोशी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मीनुला ने गरीब महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों को सौगात दी। देखिए खास रिपोर्ट। पूर्व पार्षद स्वर्गीय राजेश जोशी द्वारा किए गए कामों के कारण ही आज उन्हें याद किया जाता है। वे जनता की समस्या सुनने कभी भी निकल पड़ते थे, दिन रात उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे। इसलिए जोशी की पुण्यतिथि भाजपा नेता सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला ने गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन, गरीब बच्चों को कॉपी किताब और दिव्यांगों को ट्राइसिकल भेंट की। मंच पर कई भाजपा नेता मौजूद नजर आए। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के साथ साथ विधायक रमेश मेंदोला की भी जमकर तारीफ की। एक समाज सेवा कर रहा है, जैसा कि वीरेंद्र व्यास जी बोल रहे थे कि राजेश जोशी ने एक मिशन, गरीबों के लिए सेवा करने का मिशन, और इस मिशन नगर निगम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोनों मिलकर गरीबों को सिलाई मशीन, बच्चों को कॉपी किताबें, ये बांटने का काम हर वर्ष होता है। वैसे रमेश जी ये काम 12 महीने करते हैं, गरीब कन्याओं की शादी हो, किसी का इलाज कराना हो, ये रमेश जी 12वें महीने काम करते हैं। पर फिर भी रमेश राजेश जी की स्मृति में एक दिन इस कार्यक्रम को करके हम ये बताना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम एक दिन का नहीं है, ये 12 महीने इस प्रकार की सेवा का संकल्प हमारा चलता रहता है अलग अलग क्षेत्रों में। रमेश जी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण महासभा के प्रमुख कार्यकर्ता है, तो ब्राह्मण बेटियों की शादी करते हैं और 101 बेटियों की संख्या तय, और उनको कम से कम 2-3 लाख का दहेज भी देते हैं एक एक बेटी को। पता नहीं कितने वर्षों से कर रहे हैं, कितनी बेटियां शादी की नहीं उन्होंने, पर कन्यादान कम से कम 500-700 ब्राह्मण बेटियों का तो उन्होंने कर ही दिया, बल्कि हजारे को भी होगा। देखिए, मैं इंदौर नगर निगम को धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से हर वर्ष राजेश जोशी जी का स्मरण किया जाता है। उनके स्मरण में आज गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन और बच्चों को किताबें, कॉपियां वितरण करने का कार्यक्रम नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संयुक्त रूप से करते हैं। मैं नगर निगम को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने पार्षद की स्मृति में आयोजन करते हैं। कुल मिलाकर पूर्व पार्षद स्वर्गीय राजेश जोशी की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मानव सेवा का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।